धर्मांतरण मामले में भाजपा ने बुधवार को रायपुर के बुढ़ापारा में धरना दिया। कार्यक्रम के मुताबिक भाजपा की कार्यकर्ता और नेता पुरानी बस्ती थाना का घेराव करने वाली थी, लेकिन बड़ी संख्या में वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की तो पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर झूमाझटकी भी हुई। भाजपा ने पुलिस प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगों को लेकर वे गंभीर नहीं हुए तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा। आज के कार्यक्रम के बाद भाजपा एक बार फिर बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगी। देश में और छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र कानून बना हुआ है, उस कानून के अंतर्गत लोभ लालच देकर अगर कोई भी धर्मांतरित करवाता है तो वो अपराध है, और इसके विरोध में एफिडेविट के साथ में पुरानी बस्ती थाने में एसपी के पास में शिकायत की गई है। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय जो लोग संविधान को जलाने की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि धर्मांतरण का हमको अधिकार है, उनकी गिरफ्तारी करने की बजाय जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कानून की रक्षा कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करती है। जब तक धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। आगे ये आंदोलन का विस्तार होगा, अभी तो ये झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, हर जिले जिले में आंदोलन होगा, गांव गांव में आंदोलन होगा, वार्ड वार्ड में आंदोलन होगा।